जो लोग ये बात कहते थे कि तेजस्वी यादव ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है, नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद करके रखा है, उन्हीं लोगों के मुंह पर करारा तमाचा तेजस्वी यादव के मंत्रालय के द्वारा मिला है, शिक्षा मंत्री के द्वारा मिला है। हम खास तौर पे कहें तो जो लोग ये बात कह रहे थे कि बिहार को जंगल राज्य बना दिया इन्होंने, वादा किया कि 10 लाख नौकरी देंगे, पहले कलम से सिग्नेचर करके 10 लाख नौकरी देंगे, अब वो दिन धीरे धीरे नजदीक आते जा रहा है। 1,23,324 नौकरियां एक दिनों के अंदर में लोगों को दे दिया गया, ये बिहार में ही हो सकता है। देश में बहुत सारे ऐसे राज्य है, 29 राज्य है, और 29 राज्यों की अगर आंकड़ा निकाला जाए तो सबसे ज्यादा नौकरी अगर कहीं मिल रहा है तो वो बिहार है। वो बिहार में अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि जंगल राज है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम आज आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन वाली सरकार ने युवाओं के बारे में कितनी सोची है, जिन्होंने पहले कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे और अब नौकरियां मिल रहा है। इन्होंने कहा था कि 1,70,461 सीट पे हम शिक्षकों को भर्ती करेंगे, उन शिक्षकों से हम बीपीएससी के तहत एग्जाम लेंगे और जो क्वालिफाई करेंगे उनको हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके, उनका काउंसलिंग करके और उन लोगों को हम नौकरी देंगे। 1,70,461 में से 1,23,324 लोगों को नौकरी मान लीजिए तो दे दिया गया है। अभी सीट वैकेंट रह गया, 48,137 सीट अभी खाली रह गया। अब बताते हैं कि किस क्लास में कितने शिक्षकों को भर्ती किया गया है। तो उच्च माध्यमिक यानी 10+2 की बातें करें तो वहां पे 23,701 शिक्षकों को भर्ती किया गया है। 23,000, सुन लीजिए ध्यान से, जो उच्च माध्यमिक यानी 10+2 के हैं वहां पे 23,701 शिक्षकों को बहाली किया गया है। जो माध्यमिक क्लास के शिक्षक हैं वहां भर्ती किया गया है, 26,204 शिक्षकों को भर्ती किया गया है। अब माध्यमिक क्लास में जो मिडिल क्लास है वहां पे इतने लोग पढ़ाने जाएंगे नया, और जो प्राथमिक विद्यालय है यानी 0 से लेकर के जो प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है कि पहली पढ़ाई जो होती है वहां पे भर्ती किया गया है, 72,419 शिक्षकों की भर्ती की गई है। टोटल अभी 48,137 सीट वैकेंट रह गया है। अब आने वाले समय में कितना वैकेंसी आने वाला है, अतुल जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि इन जितने लोगों की नौकरी सुनिश्चित हुई है इन लोगों को बहुत जल्द काउंसलिंग करा करके इन लोगों को नौकरी दे दी जाएगी, और ये लोग कहां पोस्टेड होंगे वो सारा चीज निकल जाएगा। तो सबसे बड़ा बात है कि जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि बिहार में काम नहीं होता है, बिहार के शिक्षा मंत्री मौन रहते हैं, तो ये मौन रहने वाले डिपार्टमेंट के द्वारा इतना नौकरी दिया जा रहा है जिनके बारे में कहा जाता है कि रामचरितमानस के ऊपर में सवाल उठाते हैं। आखिर में ये देखिए कितनी बड़ी बात है, जिसके ऊपर में बार बार सवाल उठता है कि शिक्षा मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, तो ये देखिए ये क्या है। आखिर में शिक्षा विभाग के द्वारा इतना नौकरी दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री का भी इसमें हाथ है। हालांकि फ्रंट पर वो आकर के बैटिंग नहीं कर रहे हैं, अपनी उपलब्धि नहीं गिना रहे हैं, लेकिन ये वाकई में सोचने वाली बात है। उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई कोना हो, वहां इतनी नौकरी नहीं मिल रही है जितना तेजस्वी यादव युवा की सरकार नौकरी दे रही है। सबसे बड़ा बात है कि इनको पता है कि आने वाले समय में चुनाव है, तो चुनाव में अगर हम युवाओं को अपने तरफ नहीं लाएंगे, नौकरी नहीं देंगे, तो युवा हमें वोट नहीं करेंगे। इसलिए ये लोग इतना एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं, करारा तमाचा है। देश के प्रधानमंत्री भी सोच रहे होंगे कि इस तरह से किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री अगर काम करते तो उनको कर्नाटक में उनकी सरकार बन जाती, और जहां जहां उनकी सरकार हार रही है वहां बन जाती अगर वहां के प्रशासन और वहां की सरकार इतनी एक्टिव होकर के काम करती। तो बिहार में कह दिया जाता है कि जंगल राज है, क्या ये बिहार में जंगल राज है? इतने लोगों की नौकरी देना और उसके बाद में बिहार के बेहतर भविष्य के लिए, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए इतना अच्छा तरीके से काम करना, इन सारे शिक्षकों नौकरी हो जाएगी और उसके बाद इनका पेमेंट भी करना है ये बिहार सरकार के द्वारा, ये सारा चीज अब बिहार में हो रहा है। अब आप इसको कैसे देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या तेजस्वी यादव के काम से आप खुश हैं या नहीं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।